फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आई एम हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो की एनसीआर का फिफ्थ चैप्टर है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि इस में क्या है क्या पढ़ने वाले है और क्या सीखेंगे इस चैप्टर से इन सब चीजों के बारे में डील करेंगे इस इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते ये देखो ये जो फिगर है ये एनसीआरटी का फिगर है ठीक है ये फिगर है पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का ये जो हमारा एक फ्लावरिंग प्लांट है इसके सारे पार्ट्स को यहाँ पे अच्छे से लेबल किया गया है फ्लावरिंग प्लांट है यानी कि एंजियोस्पर्म है कह सकते हैं एनजियोस्पम्प एंजियोस्पर्म्स के डिवीजन के अंदर ही तो फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिलते है याद करो एंजियोस्पर्म एक ऐसा अकेला डिवीजन है प्लांट किंगडम का जिनके प्लांट्स में हमें फ्लावर्स देखने को मिलता है तो अगर किसी भी प्लांट फ्लावरिंग प्लांट की बात की गई है तो बेझिझक समझ जाना कि वो एंजियोस्पर्म डिवीजन के अंदर आता है उसमें फ्लावर प्रेजेंट है चलो तो यहां पे है फ्लावर फ्रूट स्टेम लीफ ये सब शूट सिस्टम रूट सिस्टम ये सब क्या है ठीक है पहले बात तो समझो मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है मोर्फोलॉजी शब्द का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर एक्सटर्नल फीचर कोई एक प्लांट ये हमारा फ्लावरिंग प्लांट है सामने में जो तुम्हें दिख रहा है ठीक है ये फ्लावरिंग प्लांट इसके तुम्हें अपने आंखों से इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स है जो जो चीजें दिखाई दे रही है जैसे फ्लावर फ्रूट स्टेम या फिर जब इस पौधे को तुम प्लग करोगे ऐसे निकालोगे तो तुम्हें रूट दिखाई देगा सेकेंडरी रूट प्राइमरी रूट जिसके बारे में अभी जानेंगे ये सब रूट है ये सब बाहर से तुम देख सकते हो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स एक्सटर्नल फीचर्स है प्लांट के तो इन्हीं फीचर्स को इन्हीं इन्हीं को हम कहते हैं मोर्फोलॉजी इस और एनाटॉमी क्या हो गया इंटरनल अंदर वाला जो कि हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे तो मोर्फोलॉजी क्या है एक्सटर्नल फीचर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट ठीक है मोर्फोलॉजी मतलब इन रेस्पेक्ट टू फ्लावरिंग प्लांट मोर्फोलॉजी है फ्लावर फ्रूट स्टेम लीफ प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट ये सब चीजें तो जैसे मान लो एक हमारा सीड मोनोकॉट है सिंगल कॉटेडोन ठीक है ये जो सीड है इसके अंदर प्रेजेंट है इम्ब्रायो और इसके बाहर देखो सराउंडेड है इम्ब्रायो इज सराउंडेड बाय सीड कोट ये जो सीड है ये सीड में हुआ जर्मिनेशन और सीड से निकल के आया रेडिकल सबसे पहले निकल के आया रेडिकल बाद में फिर निकल के आया प्लि लेटर ठीक है तो सीड है सीड इंब्रायों है. इंब्रायों है, सीड सीड के अंदर है 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 जो जो कि सराउंडेड कोट से ये इसको वाटर मिलेगा सीड वाटर को एब्सॉर्ब करेगा और सीड का जो सीड कोट है वो रप्चर होगा यानी कि जर्मिनेशन का प्रोसेस चल रहा है और जैसे ही सीड कोट रप्चर होगा तो उसमें से सबसे पहले निकल के आएगा रेडिकल फिर बाद में निकल के आएगा प्लेम्यूल वैसे अगर डायकॉट है यानी कि टू कॉटेलिडोन वन और टू दो कॉटेलिडोन है तो देखो इसमें अगर जर्मिनेशन होगा तो पहले रेडिकल निकल के आया ठीक है फिर प्लिम्यूल निकल के आया ये जो रेडिकल है ये रेडिकल आगे जाके रूट बनाता है और ये जो प्लीम्यूल है ये आगे जाके शूट बनाता है ओके एनसीआरटी में तुम देखोगे लिखा होगा डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल टू तो फॉर्म प्राइमरी रूट जिसे टैप रूट भी कहते हैं जो कि हम अभी देखेंगे प्राइमरी रूट क्या है टैप रूट क्या है ठीक है तो रेडिकल में क्या होता है डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल इलांगेट करता है और फॉर्म करता है प्राइमरी रूट जिसे हम कहते हैं टैप रूट ये रहा प्राइमरी रूट ठीक है ये वाला जो रीजन है ये है प्राइमरी रूट ठीक है प्राइमरी रूट और ये कैसे फॉर्म हुआ फ्रॉम डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल तो रेडिकल रूट बनाएगा फ्लिम्यूल आगे जाके डेवलप करेगा और शूट बनाएगा तो पहले शूट सिस्टम देखते हैं ये रहा हमारा शूट सिस्टम शूट सिस्टम में क्या आता है देखो स्टेम और लीफ, शूट सिस्टम बनाता है। देखो एक प्लांट राइट वो पहली बार जब, जब जर्मिनेट किया नया नया है, हो रहा है, तो सबसे पहले पहले क्या है जब प्लांट जब सीड जर्मिनेट करेगा तो पहले तो स्टेम बनेगा लीफ बनेगा बाद में उस प्लांट पे आगे जाके फ्रूट बनेगा फ्लावर बनेगा जो जो है फ्लावर फ्रूट वो सब बनेंगे और तो हम कह सकते हैं स्टेम प्लस लीफ इक्वल्स टू शूट ठीक है और बाद में इस शूट पे फॉर्म होगा फ्लावर और फ्रूट तो अगर देखो सिर्फ स्टेम है यानी कि लीफ एब्सेंट है अगर एक प्लांट पे लीफ एब्सेंट है तो हम उसे कहेंगे स्टेम लेकिन अगर उस प्लांट में स्टेम है और स्टेम के साथ साथ लीफ भी है तो हम कहेंगे शूट स्टेम प्लस लीफ इज शूट अगर लीफ एब्सेंट है प्लांट पे लीफ प्रेजेंट नहीं है स्टेम पे लीफ प्रेजेंट नहीं है तो वो सिर्फ स्टेम ही है लेकिन स्टेम के साथ अगर उस स्टेम पे लीफ भी है तो हम उसे कहेंगे शूट और इसी शूट पे बाद में आगे जाके फ्रूट बनेगा फ्लावर बनेगा और ये जो हमारा स्टेम है देखो ये जो हमारा स्टेम है लंबा सा स्टेम स्टेम ठीक है ये स्टेम पे यहाँ देखो जहां से लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है जहां से लीफ डेवलप हो रहा है उस रीजन को हम कहते हैं नोड और दो नोड के रीजन को एक ये नोड और एक इस नोड जहां से लीफ जर्मिनेट हो रहा है लीफ डेवलप हो रहा है इस रीजन को कहते हैं इंटर नोड जैसे यहां देखो ये हो गया नोड यहां से लीफ बना ये हो गया नोड और इस रीजन को कहेंगे इंटर नोट ओके तो ये हमारा शूट सिस्टम था शूट सिस्टम यानी कि जो सरफेस के ऊपर ठीक है अंडरग्राउंड नहीं अंडरग्राउंड तो रूट है ऊपर के तरफ एरियल यहां लिख देता हूं मैं एरियल एरियल मतलब जो एयर में प्रेजेंट है हवा में ऊपर के तरफ सरफेस के ऊपर ठीक है शूट नीचे रूट सिस्टम अंडरग्राउंड रूट सिस्टम ऊपर के तरफ शूट सिस्टम अब यहाँ पे तुम्हें बर्ड नजर आ रहा है

नेक्स्ट देखो रूट रूट सिस्टम सिस्टम में प्राइमरी रूट देखो ये रहा हमारा प्राइमरी रूट एक मिनट करता कर अच्छा बर्ड भी देख लो किया हो तो बर्ड भी अब अच्छे से नजर आ रहा होगा ये रहा बर्ड ठीक है एक्सिलरी बर्ड देखो लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट है अब रूट सिस्टम देखो ये प्राइमरी रूट है ये जो हाइलाइटेड वाला रीजन है ये हमारा प्राइमरी रूट है प्राइमरी रूट right? जो है इसी से बनेगा आगे जाके लैटरल रूट ठीक है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी रूट लैटरल रूट जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी रूट और इसी सेकेंडरी रूट से आगे जाके ये देखो टर्शरी रूट बन गया ठीक है ये जो पूरा है इस प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट और इन सारे रूट पे या तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी समझ में आ रहा है ना प्राइमरी रूट कौन सा मेन रूट ठीक है जो यहाँ से डेवलप हुआ है रेडिकल से डायरेक्ट इलोंगेशन है प्राइमरी रूट का जो मेन रूट है ठीक है ये हमारा प्राइमरी रूट

तो ये रहा शूट सिस्टम रूट सिस्टम ये जितने भी मैंने बताया ना फ्लावर फ्रूट स्टेम लीफ रूट इन्हीं सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में जानेंगे सब क्या है प्लांट के एक्सटर्नल फीचर है मोर्फोलॉजी इसीलिए नाम पड़ा है मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट का यानी कि एक्सटर्नल फीचर जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है फ्रूट स्टेम लीफ इन सब चीजों को अलग से डिटेल में सेपरेटली पढ़ेंगे स्टेम को लीफ को सब चीज को रूट को अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे ठीक है इस चैप्टर में तो ये तो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रूट से ओके okay? क्योंकि एन भी सबसे पहले द रूट से स्टार्ट किया ठीक है द रूट ओके तो यहाँ पे लेक्चर होता है खत्म तो क्या यहीं पे लेक्चर खत्म होता है आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा छोटा सा लेक्चर था बट अगर तुम्हें समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना नेटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे फेसबुक पेज पे ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो निटोलॉजी का चैनल है जिसका लिंक या आई क्या कहते हैं इसको ये रहा टी डॉट मी स्लैश नेटोलॉजी अंडर स्कोर एच के इसको जाकर ज्वाइन करो यहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ तो यहाँ से तुम्हें नोट्स मिल जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारा नेटोलॉजी का चैनल है इसको सब्सक्राइब करो यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले और अगर तुम्हें और भी नेटोलॉजी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ नीचे वॉच मोड के नीचे शो कर रहा होगा उस पर क्लिक करो नेटोलॉजी के और भी वीडियोस देखो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बाय थैंक यू टेक केयर